हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम एक गिलास दूध से ऐसी मिठाई बनाएंगे जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी रखती है और पूरे परिवार के लिए। हमने इधर कढ़ाई रख दी है, गर्म हो गया है। अब इसमें हम एक गिलास दूध डालेंगे। ये दूध हमने मलाई वाला लिया है, आप अब बिना मलाई के भी दूध ले सकते हैं, पर दूध पहले गर्म होना चाहिए। ठंडा दूध हम नहीं डालेंगे, ये पहले से गर्म करके ठंडा हो गया है इसलिए हमने डाल दिया है। इसको अच्छे से उबाल आने देंगे। दूध में उबाल आने लगा है, अब इसमें हम चीनी डाल देंगे। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है, कोई ज़्यादा मीठा खाता है कोई कम, उसी हिसाब से डालना है। और इसको अच्छे से चलाएंगे। अभी देखो चीनी अच्छे से मिक्स हो गया है, दूध में कितना अच्छा उबाल आ रहा है। हम इसमें सूजी डालेंगे और इसको चलाते जाएंगे। आधी कटोरी सूजी ली है हमने, को अच्छे से मिक्स करेंगे। सूजी को भून के नहीं डालना है, सूजी को हमें ऐसे डालना है इसमें। अभी देखिए दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया सूजी डालने से। अब हम गैस को बंद कर देंगे। और हमने ये मिल्क पाउडर लिया है, जितना सूजी लिए थे उतना मिल्क पाउडर। इसको थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं, आप सूजी भी डाल सकते हैं, पर सूजी थोड़ा ज़्यादा डालनी पड़ेगी। मिल्क पाउडर डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसीलिए मिल्क पाउडर डाले तो ज़्यादा सही है। अभी अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम गैस को ऑन कर देंगे। तो बहुत ज़्यादा तेज करके हमें नहीं पकाना है, स्लो ही गैस पे हम पकाएंगे इसको। अब इसमें हम नारियल का बुरादा डालेंगे। ये देखो अपने टेस्ट के हिसाब से नारियल का बुरादा डालना है, जिसको जितना पसंद हो उसी हिसाब से डालना है नारियल का बुरादा। तो ये अच्छे से कढ़ाई छोड़ दिया है, पूरा इकट्ठा हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 4 से 6 बूंद नींबू का रस। आप लोग सोचेंगे नींबू का रस डालने से फट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं फटे उठेगा। ये क्या है, नींबू का रस डालने से दानेदार अच्छे से मिठाई बनके तैयार होगी, ये फटेगा नहीं। इसकी वजह से अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको हम एक थाली में निकालेंगे, गैस को बंद कर देंगे। इधर हमने थाली में थोड़ा सा घी लगा देंगे ऐसे। अगर आपके पास पेपर रोल और है तो उस पर कुछ रख के अच्छे से सेट कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे थाली में घी लगा के इसमें सेट कर देंगे। अभी थाली में घी लगा दिए हैं, हम निकालेंगे। अभी देखिए हमने अच्छे से थाली में सेट कर दिया, कितने अच्छे से सेट हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा काजू बादाम आपके पास जो है डाल देंगे, इसको वैसे थोड़ा अच्छे से सजा देंगे। देखो तो कितना अच्छा लग रहा है, इसको थोड़ा हाथ से हम दबा देंगे क्योंकि अभी सेट नहीं हुआ है अच्छे से, तो इसमें सेट हो जाएगा। कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। अब इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो आप बाहर भी रख सकते हैं। अभी देखिए 1 घंटा हो गया है, मिठाई अच्छे से सेट हो गई है। देखो हमने फ्रिज में रख दिया था, अब इसे करेंगे इसे। कितने अच्छे से कट गई, अभी हम निकाल के दिखाते हैं। अभी देखिए कितनी सॉफ्ट मिठाई बनी है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। हमने 1 गिलास दूध से इतनी सारी मिठाई बना के तैयार कर दी है। आप लोग को पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।